हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस का। इसका सेट नंबर 4 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यहाँ पर? ₹19,440 की राशि ए, बी और सी में इस तरह से वितरित की जाती है कि ए का 4 गुना हिस्सा बी के 6 गुने हिस्से के बराबर है और सी के 3 गुने हिस्से के भी बराबर है। तो यहाँ पर बी को कितना मिला? तो देखते हैं, यहाँ पर 3 पर्सन हैं, एक है ए, एक बी और एक सी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ए का 4 गुना हिस्सा यानी ए को जितना मिला उसका 4 गुना बी के 6 गुने हिस्से के क्या है? बराबर है। फिर आगे क्या बोला गया है कि वो सी के 3 गुने हिस्से की भी बराबर है, यानी सी का कितना ले लेंगे? 3 गुना। और ये आपस में सभी क्या है? बराबर। और हमने कहा था जब तीन चीज़ें इक्वल लिखी हो तो उनका रेशियो कैसे बनाते हैं? जो उनका मल्टीप्लायर होता है उन सभी का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम। अब यहाँ पर जो धनराशि दी गई है, जो पैसा दिया गया है, वो इस रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9। मतलब टोटल रुपए कितने थे? 9। और उनको हमने इस रेशियो में बांट दिया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 19,440। तो 9 को इक्वेट कर देंगे 19,440 के। अब इसको 9 से कट कर लो, 9 3 = 18, कितना 1 बचा? 9 1 = 9 और 5 बचेगा, 9 6 = 54। यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3 1 6 0। अब देखो, हमसे पूछा गया है बी को कितना मिला, तो यहाँ से अगर देखते हैं बी को कितना मिला है, 2 मिला है, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, ये बी का शेयर हो जाएगा। 2 2 2 0 0, 2 6 = 12, 2 1 = 2 3 और 2 3 = यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 9 2 = 18 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब देखते हैं इसको, ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो 2 0 0, 2 6 = 12, 2 2 1 = 2 + 1 = 3 और 2 2 = 4। तो यहाँ पर कितने रुपए बी को मिलेंगे? 4320। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 269 + 831 का स्क्वायर है और फिर वही चीज़ माइनस का स्क्वायर करके, और अपान में 2.69 का स्क्वायर है + 8.31 का स्क्वायर है। इसकी क्या बताना है हमें? वैल्यू बतानी है, मान बताना है। तो देखो, ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो ये 269 831, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ऊपर क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर। तो मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पर ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखा हो और माइनस का ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखा हो, तो क्या आता है? 4AB आता है। और अगर यहीं पर अगर हम प्लस कर दें, यानी कि ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस की जगह क्या हो जाए? प्लस हो जाए, और ये ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2AB वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा 2A² + 2B²। 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A² + B²। ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि इसको अलग अलग निकालें आप लोग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर, यानी सेकेंड वाला रिजल्ट यहाँ पर लग जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A² + B²। ए की वैल्यू कितनी है? 269 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 269 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8831। तो 831 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन, अब देखो अपॉन में क्या लिखा है? 269 लिखा है, बस यहाँ पर क्या लगा है? डेसिमल लगा है। तो देखो, जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 100 आएगा, लेकिन लगा क्या है यहाँ पर? स्क्वायर। तो जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10,000। यहाँ पर भी सेम, नीचे 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, तो 10,000 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10,000। ये चीज़ हमने बाहर कर ली। तो अब यहाँ से बचेगा क्या? 269 बच जाएगा,
और इसका स्क्वायर है, प्लस 831 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर नीचे सेम लिखा है। और ये 10,000 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 20,000, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया था, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, कास्ट प्राइस से, यानी हम खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में। प्रॉफिट हो कितना रहा है, 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी बिक्री मूल्य SP से डिनोट कर देंगे, यानी 5 SP के बराबर का प्रॉफिट हो रहा है। और बेच कितनी वस्तुएं रहे हैं, 30 रहे हैं, तो यहाँ पर 30 वस्तुओं का SP और माइनस का 30 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। SP को इधर भेजो कितना बच जाएगा, 25 SP माइनस का आएगा, और इक्वल टू माइनस का 30 CP। तो यहाँ से देखो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था, CP की वैल्यू इधर वाली हो जाती है और SP की वैल्यू इधर वाली हो जाती है, तो यहाँ पर रेशियो बना लो, CP रेशियो SP। CP की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इधर वाली वैल्यू CP की हो जाएगी, तो CP हो गया 25, और इधर वाली वैल्यू हो जाएगी SP की, ये वाली SP कितना हो जाएगा, 30, 5 से कट जाएगा, रेशियो को छोटा कर लो, 5 5 जा 5 6 जा। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो इधर, परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो ऊपर, और प्रॉफिट हमेशा CP के पे कैलकुलेट होगा, CP है कितना, 5 है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100, यानी फाइनल आंसर इसको काट कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, यानी इतना प्रॉफिट होगा हमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और उनका गुणनफल दिया है 8,748, उनका व्युत्क्रम क्या है, मतलब व्युत्क्रम का योग पूछा गया है यहाँ पर, मिस प्रिंट है यहाँ पर, यहाँ पर सम पूछा गया है उनका। तो अब देखते हैं, महत्तम समापवर्त हमें दिया हुआ है 18, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 18x, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 18y। अब देखो, जब भी हमें HCF पता होगा तो जो नंबर होता है वो HCF का हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई मल्टीप्लायर ही होगा। तो हमने मान लिया 18x है, 18y है, और जो HCF होता है किन्हीं दो नंबर्स का, उसके अलावा उन दो नंबर्स में 1 के अलावा और कुछ भी कामन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इनका हमें गुणनफल दिया है, यानी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल 18x हो जाएगा इंटू 18y, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 8748। अब देखो, यहाँ पर 18 से कट करो, ये जाएगा 4 टाइम, जब 4 टाइम जाएगा तो 76 हो जाएगा, 76 का मतलब कितना हो जाएगा, 114, तो फिर लगेगा ये 8 टाइम, फिर उसके बाद कितना आएगा, 6 18 6 जा 148, क्योंकि 10 बचेगा इधर से, यानी 486। अब यहाँ से ये कितना बच जाएगा, अब 18 से कटेगा, कट जाएगा 18 1 जा 18, और ये कितने टाइम जाएगा, 18 2 जा 36, और यहाँ से कितना बचेगा, 12, और 12 बचेगा, यानी कि 8 टाइम चला जाएगा, 8 नहीं 7 टाइम, यानी कि यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। कैलकुलेशन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी फास्ट होगी, और वहाँ पर कैलकुलेशन जल्दी करने का ही फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब देखो, हमें यहाँ पर चाहिए दोनों नंबर अलग अलग, क्योंकि हमें क्या बताना है, सम बताना है, यानी अगर पहला नंबर है 1/18x है, तो इसका 1/18x और इधर 1/18y, दोनों का सम बताना है। तो जब तक हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक तो हमें नंबर पता ही नहीं चल सकता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम एक्स को क्या ले लें, 3 ले लेते हैं, तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा, और तो कोई कंडीशन है नहीं, या तो इसको 9 लो तो ये 3 हो जाएगा, और दूसरा एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसको 27 ले लो और एक को 1 ले लो, किसी को भी। अब देखो क्या हो गया, अगर हम यहाँ पर x को 3 और y को 9 लेते हैं,
तो यहाँ पर 18 के अलावा भी कॉमन मिल जाएगा जो कि क्या है 3। तो फिर एच सी एफ 18 नहीं हो सकता है, क्योंकि एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यानी हमें क्या लेना पड़ेगा, ये यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 27, और ये हो गई वाई की वैल्यू, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर कर लें। फर्स्ट नंबर हमारे पास है कितना, 18x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 27। इसको आप लोग क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा, 18 × 7 इधर से हो जाएगा 126, फिर 18 × 2 = 36, 36 में कितना ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे, तो 36 + 12 48। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 486। उसके बाद y की वैल्यू यानी सेकंड नंबर, ये कितना है, 18y है, और y तो हमने 1 ले रखा है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 18। हमें बताना था इनके व्युत्क्रम का योग, तो यहाँ पर देखो 1/486 प्लस का क्या हो जाएगा, 1/18। अब हमें पता है कि ये 18 का क्या है, फैक्टर है, तो डायरेक्ट एलसीएम क्या ले लेंगे, 486। अब देखो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, अभी तो देखा है 27 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है, अब ये नहीं फिर यहाँ पर भी डिवाइड करने बैठ जाएं, 27 + 1 कितना हो जाएगा, 28/486। 2 से कट जाएगा, कट कर लो, ऊपर 14, नीचे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा, इसके अलावा अभी कटेगा, आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है, तो यही हो जाएगा आंसर, 14/243। तो यहाँ पर मेन चीज़ बस आपको ये कंडीशन बनानी आनी होनी चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक नाव 2 घंटे में 7.5 किलोमीटर धारा प्रतिकूल और 9 किलोमीटर धारा अनुकूल जा सकती है। इसके अलावा यह 2 घंटे 45 मिनट में 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है। धारा की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें धारा की गति बतानी है, और यहाँ पर हमें बोट की भी यानी नाव की भी गति नहीं दी गई है, यानी ना तो हमें एक्स पता है और ना तो हमें वाई पता है, और ये तो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, 2 घंटे में वो क्या है, 7.5 किलोमीटर धारा प्रतिकूल जाती है और 9 किलोमीटर धारा अनुकूल जाती है। तो यहाँ पर अगर टोटल टाइम की बात करें तो 2 घंटे, T1 मान लेते हैं कि धारा प्रतिकूल, धारा प्रतिकूल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमने क्या बताया था, जब प्रतिकूल जाएगी तो डिफरेंस रखेंगे, फिर क्या हो गया प्लस, 9 किलोमीटर कितना जाती है डाउन स्ट्रीम, और जब डाउन स्ट्रीम यानी धारा अनुकूल जाएगी तो हमने स्पीड क्या बताया था, प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। देखो दूसरी क्या बोली गई है, 2 घंटे 45 मिनट में, तो पहले तो इसको आवर में चेंज कर लो, 2 आवर है, प्लस 45 मिनट को क्या क्या लिख सकते हैं, 45/60 कितना, 15 से चला जाएगा, तो 4 2 = 8 + 3 यानी 11/4 आवर। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, इधर 11/4 = यहाँ पर 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, यानी अप स्ट्रीम कितना जाती है, 9 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम जाएगी तो स्पीड का डिफरेंस प्लस, डाउन स्ट्रीम कितना जा रही है, 15 जा रही है, तो यहाँ पर 15 और डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो स्पीड का सम ये हो गया। अब देखो ना तो हमें एक्स दिया गया है और ना तो वाई, वाई तो हमसे पूछा ही गया है, ये दो इक्वेशन बनी है, इन दो को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यानी इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेशन हमें लंबी करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन लंबी करने के लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी आसानी के लिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को कोई दूसरा टर्म मान लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं एक्स माइनस वाई, ये स्पीड किसकी होती है, एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम की होती है तो इसको यू से लिख लेते हैं, और एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम की होती है तो इसको हम लोग डी से लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको यू रखेंगे और इसको डी रखेंगे, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यू डी आ जाएगा, तो इधर यू डी को भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 2UD। अब देखो यहाँ से यू कैंसिल होगा तो 7.5 के साथ क्या आ जाएगा, डी 7.5D प्लस यहाँ से 9U, एक इक्वेशन तो ये बन गई।
अब देखो इधर क्या बनेगा, यहाँ पर जब यू और डी रखोगे तो यहाँ पर भी यू और डी क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो इधर भेज दो इसको। 11/4 यू डी इज इक्वल टू, यहाँ से यू कैंसिल, तो 9 के साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, प्लस 15 के साथ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले तो 4 इधर भेज दो, तो 11UD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36D प्लस ये कितना हो जाएगा, 60U। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये है और एक इक्वेशन ये है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करके हमें U और D की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं U कितना है, 60 है, और यहाँ पर कितना है U, 9। तो इसको अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 180 बन जाएगा। 9 2 जाए 18, 180, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ओनली 3 से, तो U क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को 20 से, इंटू 20, अब देखो कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं से, यहाँ पर 2 5 जाए 10 और 2 7 जा 14, 150, यानी यहाँ आ जाएगा ये 150 डी, डेसिमल हट जाएगा क्योंकि एक जीरो है यहाँ पर, प्लस ये कितना हो जाएगा, 180। 9 2 जाए 18, 180U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40UD। अब इधर से देखो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 से, ये कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, ये हो जाएगा 108D प्लस 6 3 जाए 18, यानी 180U, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 33UD। 11 3 जा 33। अब देखो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड हो रहा है यहाँ पर। तो देखो 150D से जब 108D जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 10 से 8 जाएगा, 2 बचा, और इधर कितना बचा, 14, 4 से 1 जाएगा, 4 से 0 जाएगा, तो 4, हाँ ठीक है, 40D आ जाएगा यहाँ पर। फिर 180U से 180U क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये प्लस माइनस। अब यहाँ पर 40UD से 33UD ये कितना बचेगा, 7UD। अब देखो यहाँ से डी से डी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7U कितना आ जाएगा हमारे पास, 42, तो यहाँ से यू की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 6। अब देखो यू की वैल्यू 6 आ गई जब हमारे पास, एक मिनट, तो इसको या तो इक्वेशन 1 में कर दो या तो इक्वेशन 2 में कर दो, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डी की। तो हम बाई इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ पर यू की वैल्यू 150D तो लिखा रहने दो, फिर यहाँ पर यू की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब यू की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर पुट करिए, ये इक्वेशन छोटी पड़ेगी, एक मिनट, हाँ देखो जब यू की वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ पर रख दो कितना आ जाएगा, 12D आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकालना आसानी रहेगी, इसमें पुट करोगे तो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ पर डी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो 7.5D इसको लिखा रहने दो, और इधर जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यू की वैल्यू 6, यानी 6 4 जा 24, नहीं सॉरी इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, ये नहीं ये वाली 54, अब सही है। इस इक्वेशन से निकालना, यहाँ से वैल्यू निकालना इजी रहेगा, 7.5 इधर आके माइनस होगा, तो देखो 12 से 7 जाएगा कितना बचेगा, सीधे सीधे 5 बचेगा, लेकिन इधर 0.5 और घटेगा तो 4.5 आ जाएगा, तो 4.5D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54। डेसिमल हटेगा यहाँ से, इधर क्या बढ़ जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, 9 से कट कर दो, 9 5 जा 9 6 जा
फाइव से कट जाएगा, कितने टाइम, 12 टाइम। तो यहाँ से फाइनली डी की वैल्यू आ कितनी जाएगी, डी की वैल्यू फाइनली आ जाएगी यहाँ से 12। अब देखो हमने यू और डी की वैल्यू निकाल ली है, मतलब इतनी कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, इसका और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, एक्स माइनस यू कितना है, यू की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से, फाइनली 6 आई है, अब इधर देख लो आप लोग, और डी की वैल्यू फाइनली कितनी आई है, 12 आई है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हमसे चाहे यहाँ पर धारा की गति पूछे चाहे नाव की गति, हम दोनों बता सकते हैं। हमसे पूछी गई धारा की गति यानी वाई की वैल्यू बतानी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y जब माइनस करेंगे, और इधर 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो फाइनली यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए बस आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे पूर्ण घन बनाने के लिए 13,896 में से घटाया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नंबर क्या दिया गया है, 13,896। अब देखो यहाँ पर जो संख्या घटाई जानी है, इसमें से मान लेते हैं x घटाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो किसी ना किसी का क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो अब देखो यहाँ पर जब भी हमें पूर्ण घन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट नंबर का हम लोग क्यूब देखते हैं, क्योंकि अगर हमसे इसमें ये पूछा जाए गया होता कि किस नंबर से गुणा कर दें या भाग कर दें, तो हम लोग फैक्टर बना के कर लेते हैं। बाकी अगर पूर्ण घन बनाना है और उसमें या तो प्लस पूछा जाएगा या माइनस पूछा जाएगा, तो उसका बस एक तरीका है कि आपको नियरेस्ट क्यूब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर दिया है 13,896, तो अगर हम लोग यहाँ पर 20 का क्यूब करते हैं यहाँ से, तो 20 का क्यूब कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तो इससे बहुत कम है, तो 21 छोड़ दो, 22 छोड़ दो, 23, 23 का क्यूब कितना होता है, 12,067। ये क्यूब मैंने बताया आप लोगों को याद होने चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक, क्यूब और स्क्वायर दोनों। ये भी तो अभी एक नंबर और चेक कर लो, क्योंकि अभी इससे थोड़ा ज़्यादा कम है, 24 का क्यूब, 24 का स्क्वायर होता है 576, उसमें जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13,824। 24 का क्यूब क्या हो जाएगा, 13,824। देखो ये इसके एकदम नियरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो मान ले अब इससे ज़्यादा ऊपर जाओगे तो इससे ऊपर हो जाएगा 25 का क्यूब। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो नंबर हमने एक्स घटाया और हमें क्या मिल गया, 13,824 मिल गया, 13,824 आ गया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, 24 का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो इसको इधर ला के माइनस कर दो इसमें से, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 13,896, और यहाँ कितना आया है, 13,824। तो यहाँ पर आप लोग माइनस कर दीजिए, 6 से 4 जाएगा 2, 9 से 2 जाएगा 7 ना, बस आगे तो 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना नंबर आएगा, यानी 70, इस नंबर से अगर हम लोग 72 माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो किसका, 24 का क्या बन जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखते हैं, लेकिन हमसे वो नंबर नहीं पूछा गया है, उसकी डिजिट का सम पूछा गया है, तो डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर। या तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे वही नंबर पूछा जाए जो माइनस करना है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं, नंबर माइनस करके फिर फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर डिजिट का सम पूछा जाएगा तो फिर यही करना पड़ेगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इसके हर एक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाए जाते हैं। वृत्तों के क्षेत्रों में आने वाले हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, और पाई की वैल्यू दे दी गई है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, त्रिभुज की भुजाएं हैं कितनी, 5, 12 और 13। तो हमने क्या बताया था, जब भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो हमारा काम सबसे पहले क्या चेक होगा कि वो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, यानी समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो यहाँ पर दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इसका 144 और इसका कितना आ जाएगा, 169। इन दो को ऐड करने पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल बना लेते हैं अब हम लोग,
मान लेते हैं ये हम लोगों के पास क्या है, ट्रायंगल है, ये एंगल इसका क्या है 90 है। अब देखो इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। फिर क्या बोला गया है, इसके तीनों शीर्षों पर क्या बना है, एक सर्कल बनाया गया है और उसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों उस पर क्या बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। एक ये हो गया, एक मान लेते हैं ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ये इन सबकी रेडियस इक्वल है, ये सारे इक्वल बने हैं, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त हैं। ठीक है, अब देखो हमसे बोला क्या गया है, इसका हम लोग ये वाला एरिया जो सर्कल सर्कल के द्वारा जो लिया गया है, ये एरिया हम लोग इसका छोड़ देते हैं। फिर कह रहे हैं अब जो ये रिमेनिंग एरिया है, ये वाला जो एरिया है रिमेनिंग, ये हम लोगों को बताना है जो ये बाहर बचा हुआ है। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो तुम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकाल लो, क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मान लेते हैं इसका 12 है और हाइट कितनी हो गई 5, तो ये 13 हो ही जाएगा। अब देखो हाफ बेस कितना हो गया 12, हाइट कितनी हो गई 5, 6, ये कितना आ गया 30, ये हो गया। अब देखो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर ये होता है। लेकिन हमने क्या बताया था, एक सर्कल है अगर, तो कंप्लीट एंगल कितने का बनाता है, 360 का, यानी ये कितने को रिप्रेजेंट करता है, 360 को। अब यहाँ पर देखो त्रिभुज की अगर हम तीनों एंगल की बात करें, एक ये सेक्टर बनना है, एक ये सेक्टर बनना है, एक ये सेक्टर बनना है, और हमने सेक्टर का फार्मूला बता रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी थीटा अपॉन 360। अब देखो थीटा वन प्लस अगली वैल्यू थीटा टू प्लस अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा थ्री, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 का मान हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, कितना हो जाएगा 180 अपॉन 360, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये शेडेड एरिया है शेडेड पार्ट, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि ये 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से सम कितना बनना है 180, यानी हाफ चाहिए। आर कितना दिया गया है 2, और पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, पुट कर दो यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू हमने क्या कर दी, 3.14 कर दी, अपॉन टू इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो फाइनली कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 6.28। तो ये हमारा पूरा ट्रायंगल का था, ये हमारा शेडेड पार्ट का। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो ट्रायंगल का एरिया है 30, इसमें से ये माइनस कर दो 6.28। देखो यहाँ पर सीधे माइनस करो, 30 से 6 जाएगा कितना बचेगा 24, लेकिन ये तो इतना भी है और माइनस करना है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 समथिंग में आएगा, 23 समथिंग में एक ही ऑप्शन दिया है, यानी यही हो जाएगा 23.72। ऐसे आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹12,400 है, उसे 25% और x प्रतिशत के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का बिक्री मूल्य ₹8,184 है तो x का मान क्या है। तो देखो यहाँ पर हमें MP दिया है कितना, 12,400, और अगर इधर बात करते हैं SP दिया है, फाइनली बिकी कितने पर है वो 8,184। अब देखो यहाँ पर हमें MP इतना था, हमने बेचा इतने पे है, और इसके बीच में हमने उसको दो छूट दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर इसको हम सिंगल छूट देते तो कितने पे बिकता। तो देखो MP से SP का रेशियो निकाल लो, MP रेशियो SP कितना हो जाएगा, 12,400 8,184, 4 से कट करो
फोर थ्री जा फोर वन जा फोर टू जा एट, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर सिक्स जा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब देखो इसके बाद कितने पर कट जाएगा, टू से कट कर लो, टू वन जा टू फाइव जा टू फाइव जा टू ज़ीरो, टू वन जीरो टू टू जा टू थ्री, यानी वन जीरो टू थ्री। अब देखो इसके बाद तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर देखो ये कितना कम हुआ है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, टेन से थ्री जाएगा सेवन, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, फोर से टू जाएगा टू, और इधर फोर्टीन से टेन जाएगा तो फिफ्टीन से टेन जाएगा तो फाइव, यानी इतनी छूट दी है हमने, सिंगल छूट। तो इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, फाइव टू सेवन अपान वन फाइव फाइव जीरो इंटू कितना आ जाएगा, हंड्रेड। अब देखो यहाँ पर ये कितने टाइम कट जाएगा, पहले तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, फाइव से कट करो, फाइव थ्री जा फाइव वन जा, इसको कट करो, फाइव वन जा फाइव फाइव जा टू बच, और यहाँ पर कितना बचा, मान लेते हैं ये टेन इधर है, तो यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, फिर से फाइव वन जा टाइम जाए वन टाइम जाएगा टू, तो फाइव टू जा, ओके। अब देखो ये कितने टाइम जाएगा, यहाँ से 31 से इसको डिवाइड कर लो ज़रा, वन फाइव वन टू, आई थिंक यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, देखो एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, फिर फाइव से कट करो, इसको कितने टाइम जाएगा, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, ओके, इधर फाइव टू जा टेन कट कर लो। अब देखो ये कितने टाइम जा सकता है, लास्ट में सेवन है, अगर पूरा कैंसिल कटेगा तो सेवन से जाएगा, सेवन सेवन टाइम तो जाएगा नहीं, तो सेवनटीन से चेक करो, सेवनटीन वन जा सेवन सेवन, और सेवन थ्री जा फिफ्टी वन, हाँ सेवनटीन से कट जाएगा ये, सेवनटीन वन जा सेवनटीन सेवन वन बच गया, सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन प्लस वन फिफ्टी टू, हाँ ठीक है, फिर सेवनटीन टू जा कितना हो जाएगा, 34। यानी अगर वो सिंगल डिस्काउंट देता इस एमपी पे, अगर वो सिंगल डिस्काउंट कितना दे देता, 34%, तो चीज़ इतने की बिकती, लेकिन उसने क्या किया, एक छूट 25% की दी है और एक एक्स परसेंट की दी है। तो हमने इसके लिए बेस्ट मेथड क्या बताया था, जब दोनों हमें पता चल जाए कि क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस में जाता है, मतलब छूट दे रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस को 25, ये हो गया परसेंट, प्लस दूसरा तो हमें पता नहीं, वही चीज़ तो हमें बतानी है, वही पता नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब दोनों वैल्यू माइनस माइनस रखेंगे, और सॉरी यहाँ पर इसको हम लोग माइनस रखेंगे, माइनस का वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम दोनों वैल्यू क्या करेंगे, माइनस की रखेंगे, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस ही बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू तो 25 है हमें पता, और वाई नहीं पता है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100, और इक्वल टू में आया कितना है, टोटल 34, और ये डिस्काउंट ही है तो ये माइनस में ही लिखा जाएगा यहाँ पर। अब देखो 25 फोर जा, ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं इसको, फोर फोर वाई माइनस का फोर वाई प्लस वाई कितना बचेगा, माइनस का थ्री वाई अपान का फोर इज इक्वल टू, देखो इधर माइनस का 34 है और ये प्लस का आके इधर 25 हो जाएगा, तो इधर से कितना बचेगा, ये फाइनली 14 से फाइव, 14 से फाइव जाएगा तो नाइन बचेगा, नाइन ही बचेगा, और इधर से कितना है, माइनस का थ्री वाई अपॉन फोर, फोर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये माइनस का होगा, माइनस का 36, यानी माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस का 36, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थ्री से कैंसिल हो जाएगा, ये कितने टाइम, 12 टाइम, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट उसने कितना दिया था, 12% का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एमपी दिया है और उसको एक छूट दो छूट या तीन छूट के बाद एसपी पे बेचा जाए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि एक सिंगल छूट कितनी दी गई होगी, तो उससे
एमपी और एसपी का रेशियो लेके क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी, ना आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ पर माइनस करके। तो ये सिंगल डिस्काउंट कितना देना होता है, 34%। फिर ये होता है फार्मूला कि दो चीज़ों पे जब कोई चीज़ काम कर रही हो, एक घट रही हो एक बढ़ रही हो, या दोनों घट रही हो या दोनों बढ़ रही हो। तो यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, ये टोटल इफेक्ट बताता है इधर क्या आएगा, प्लस में या माइनस में, और ये परसेंटेज में रहेगा। अगर घट रही होंगी तो दोनों चीज़ें क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे, अगर बढ़ रही होंगी तो प्लस में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा क्या होगा, मतलब चीज वैल्यू क्या होगी, घटेगी डिस्काउंट देने से, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। और ये उधर टोटल इफेक्ट हम निकाल चुके हैं यहाँ से, और दूसरी दूसरा हमें पता नहीं था, वही हमें निकालना था, तो वो यहाँ से 12 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसका मान बताना है हमें, तो हमने हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 4 के ऊपर बार लगा, यानी 4/9 लिख लेंगे इसको, क्योंकि पूरी संख्याओं पर क्या लगा है बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 59 माइनस क्या हो जाएगा, 5/1 पे बार लगा है 9, 1 पे नहीं लगा है तो 0, माइनस का 4 2 3, 4 पे बार नहीं लगा है माइनस, 5/1 में क्या हो जाएगा 9 9 और 0। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा, 4/9 प्लस 9 से 5 जाएगा 4, यानी 54/90 माइनस का, यहाँ से कितना बचेगा, 13 से 4 जाएगा तो 9 आएगा ना, तो 4 1 9। हमने कहा था यहाँ पर कुछ भी काटना नहीं हो ना कैलकुलेशन लंबी होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 9 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जब 4 से करेंगे तो ये 1 1 10, मतलब 4 4 0। यहाँ से कितना आएगा, ये कट गया 11 टाइम जाएगा, 11 से 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, प्लस 4 59 माइनस का, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको ऐड कर लो, 4 9 प्लस 4 13, ये 10 माइनस 4 19 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 9 0। इधर देखो 14 से 9 जाए कितना बचेगा, 5 बचेगा 14 से, और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, और 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, अपान में कितना लिखा है 9 9 0। हमने बताया था लास्ट में इसका मतलब क्या होता है, 99 यहाँ पर तब आया होगा जब यहाँ पर क्या लगा होगा, दो नंबर पे बार लगा होगा, और यहाँ पर 0 यानी ये नंबर ऑलरेडी इसमें माइनस करके लिखा गया है, तो सबसे पहले तो इस नंबर को इसमें ऐड कर लेंगे, यानी 4 6 1 5 प्लस 6/99 0 कितना हो जाएगा, ऐड होके 6 5 11 1 1 2, 6 2 1 अपान कितना आ जाएगा 9 9 0। अब देखो बस लास्ट की दो डिजिट पे बार लगा दो, एक पे मत लगाओ, 6 2 1, ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 100 किलोमीटर की दूरी और 75 किलोमीटर पर आवर की गति से अगली 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पूरी यात्रा के लिए कार औसत गति की औसत गति क्या है, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा औसत गति, तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, 2s1s2/s1+s2, यानी फर्स्ट स्पीड, s1 क्या है फर्स्ट स्पीड और s2 क्या है सेकंड स्पीड। लेकिन ये इसके साथ एक कंडीशन थी कि डिस्टेंस दोनों बार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, और दूसरी डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, तो ये फार्मूला तो यहाँ पर लग नहीं पाएगा। अब देखो फिर करेंगे क्या, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी, 200 ये और 100 ये कितना हो गया 300। अब देखो टोटल टाइम क्या होगा, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर यहाँ पर पहला टाइम, पहली डिस्टेंस कितनी है 100, और यहाँ पर स्पीड कितनी है 60, कैंसिल कर लो कितना हो जाएगा 5/3, ये मान लेते हो गया T1। फिर दूसरी डिस्टेंस कितनी कवर करता है 200, स्पीड कितनी 75, कैंसिल करो 25 से 3 टाइम जाएगा, और ये 8 5 जा 8 2 जा 16, 8 टाइम जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 8/3। दूसरा टाइम कितना लग रहा है उसको 8/3 का, तो यहाँ पर टोटल टाइम यानी T1 प्लस T2 रखना पड़ेगा, तो 5/3 प्लस का 8/3।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 13 हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 900 अपॉन 13, इसको कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 78 यानी 12 बचेगा, तो कितने टाइम लग जाएगा फिर, 9 टाइम, 39 जाए कितना होता है वो 117, 3 बचेगा, 3 मतलब डेसिमल रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 13 2 जा 26, ये आंसर आ जाएगा के एम पी एच आंसर यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 3/16 और 3/4 के मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात के बीच अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पर हमने कल फार्मूला बताया था इसका कि जब भी हमें मध्य समानुपात बताना हो तो मध्य समानुपात मान लेते हैं कैपिटल ए से लिख रहे हैं इसको, और हमने बताया था अंडर रूट के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/16 × 3/4। देखो ऊपर से 3 3 जा 9, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 16 4 जा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये हो गया मध्य समानुपात। और थर्ड समानुपात हम मान लेते हैं उसको बी से कर दे रहे हैं, तो हमने क्या बताया था सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर 3/4, 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में हमने क्या बताया था फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं, और फर्स्ट नंबर क्या है 3/16 है। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/4, और ये 16 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या बचा 3, सॉरी एक चीज़ यहाँ पर 4 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 16, तो ये कैंसिल और ये 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9, 3 आ गया। इन दोनों का हमें बताना है डिफरेंस, यानी ए डिफरेंस बी, यानी 3/8 − 3, 8 3 जा 24, 24 से 3 जाएगा कितना आएगा 21/8, डिफरेंस में हमें साइन से नहीं मतलब होता है, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के लिए 6400 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 36 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। तो इसके लिए हमने बताया था कि ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास हो गया मूलधन, ठीक है, कितना दिया गया है 6400, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था ये फर्स्ट ईयर की स्लैब बन जाती है और ये सेकेंड ईयर की, मैंने कल इसको पूरा समझाया था, यहाँ पर क्या आता है डिफरेंस आता है जो कि हमें दिया गया है 36। तो इसके लिए ये मान लो यहाँ पर पहले आर लगाएंगे, तो इसका मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, डिफरेंस 2 साल के लिए अगर डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000, इसकी वैल्यू हमें दी है 36, तो यहाँ पर 36 रख दो, पी की वैल्यू कितनी है 6400, ये 2 साल के लिए लगेगा केवल, आर तो हमें बताना ही है, अपॉन 10,000 कर दो, इज इक्वल टू 36, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये किससे कट जाएगा 4 से कट कर दो, 16 आ जाएगा, और ये 9 टाइम जाएगा, उसके बाद अभी फिर से 4 से कट जाएगा 4, और ये 25, तो देखो 25 उधर भेजो ऊपर, तो आर स्क्वायर उधर कितना हो जाएगा 9 × 25/4, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा रूट, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 से कितना बाहर आएगा 3, 25 का बाहर आएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 4 से 2, तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा 15, 15 का हाफ कितना हो जाएगा 7.5%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साल के लिए जब भी निकालना होगा तो आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, वरना ये तरीका तो मैंने कल पूरा समझाया था कि यहाँ पर डिफरेंस आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1 दिन में 8 घंटा काम करने वाले 2 आदमी 6 दिन में 112 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, तो 1 दिन में 5 घंटे काम करने वाले 25 आदमियों द्वारा 3 दिन में इस प्रकार की कितनी लंबी दीवार बनाई जा सकती है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो यहाँ पर M1 कितना है, पहले कितने हैं 2 आदमी हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 6 दिन, और कितने घंटे 8 घंटे, और दीवार कितनी लंबी बना रहे हैं 112 इज इक्वल टू, अब देखो 1 दिन में 5 घंटे काम करने वाले 25 आदमी, तो यहाँ पर आदमी कितने हैं 25,
कितने दिन में? 3 दिन में। और कितने घंटे काम करके? 5 घंटे काम करके। कह रहे हैं कितनी लंबी दीवार, तो डब्लू टू हमें बताना है। अब देखो यहाँ से क्या कटने वाला है, यहाँ पर क्या कट सकता है, पहले तो इसको कट कर लो, 2 से कट कर लो इसको, 2 5 जा 2 6 जा, फिर यहाँ से 4 2 जा 8, और यहाँ से क्या कटेगा, 4 1 जा 4 4 जा, फिर से 2 7 जा, और 2 से ये कैंसिल हो गया। अब इतना इधर कितना बचा, और यहाँ से 3 2 जा 6, तो यहाँ डब्लू टू इधर भेज दो, इधर कितना आ जाएगा, 25 × 5 × 7, 2 में आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर 25 × 5 कितना हो जाएगा, 125, 125 में 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17, 7 7 + 1 8, 2 4 जा, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पर कितने थे, 8 घंटे हैं, सही है ये, 2 आदमी हैं और 6 दिन, और 112, इधर कितना है, 25 आदमी हैं, 3 दिन में 5 घंटे काम करके। देखो इसको फिर से कट करते हैं, ये 8 से कट करो पहले डायरेक्टली, 8 1 जा 8, यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, 8 1 जा 8 और 3 8 4 जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने टाइम चला जाएगा, ये 2 7 टाइम जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 6, 6 को 3 से कट कर दो, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना, ये डब्ल्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 7 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो 25 × 7 5 जा 35, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, देखो 2 से कट कर दो इसको, कितने टाइम जाएगा, 17.5, हाफ हो जाएगा सीधे सीधे, 25 से मल्टीप्लाई करो इसको, 25 5 जा कितना होता है, 125, 125 का 5 लिख दो, कितना बचा, 12 बचा, 25 जा 7 जा कितना हो जाएगा, देखो 25 6 जा होता है 150, तो ये हो जाएगा 25 और ऐड होगा तो 175, 175 का कितना लिख लेंगे, और 175 में कितना ऐड करना है, 12 तो अभी ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 1 8 1, तो यहाँ से 7 लिख दो, अब कितना बचा, 18 बचा, 15 1 जा 25 1 जा 25, 25 में 18 ऐड करो, 8 + 5 13, 2 1 3 + 4, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 के बाद डेसिमल, 437.5 मीटर लंबी दीवार बनेगी ये, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 437, यहाँ पर शायद गलत हो गया है, ये डेसिमल इस साइड लगेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर मैं ऑप्शन अलग ही लिख दे रहा हूँ, सॉरी ये ऑप्शन तो दिया है यहाँ पर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें बस यही तो मिस्टेक हो जाएगी लोगों से, कि यहाँ पर सिर्फ डेसिमल इधर से उधर दिया गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 437.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन इतना है, और उसी कक्षा में कक्षा की लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, ये तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है, 46.1 है, तब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। देखो हमें लड़कों की संख्या दी है लेकिन लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि क्लास में टोटल लड़के कितने हैं, तो हमने क्या बताया था, हमें बॉयज एवरेज पता है यहाँ पर, गर्ल्स एवरेज पता है, और उनका कॉमन एवरेज भी पता है, कंप्लीट कितना होगा, तो ये कितना है, 48, ये कितना है, 44, और ये कितना है, 46.1। तो हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा एलिगेशन का यूज करेंगे, और ये पॉइंट में है, तो इसको हमने क्या बताया था कि ये सारी चीज़ें रेशियो में होती हैं, तो इसको किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम हटाने के लिए डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर बॉयज़ एवरेज, गर्ल्स एवरेज, ये कितना हो जाएगा, 480, ये कितना हो जाएगा, 440, ये कितना हो जाएगा, 461, करो इसको आगे क्या होगा, देखो
ये इधर कितना आ जाएगा, 10 से 1 जाएगा, ये इधर 9 और 7 6 19, इधर देखो कितना बच जाएगा, 1, 6 से 4 जाएगा 2, ये रेशियो आ गया। लेकिन देखो हमें बॉयज़ का नंबर दिया गया है 42, यानी इसकी वैल्यू फाइनली आनी कितनी चाहिए थी, 22 आनी चाहिए थी। अब देखो अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको 42 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 2, तो इधर भी सेम प्रोसेस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 4 3 7 1 8, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएगा, 80। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इकाई स्थान में अंक है बताना है। हमने क्या बताया था, जो पावर दी होती है उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर जब 1 आएगा तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कहा था 6 जब दिया होता है तो उसकी पावर कितनी भी हो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 6 या 24 बचेगा 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो माइनस का 7 आएगा। अब देखो बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी, क्योंकि इनकी पावर क्या है, बहुत कम है, ठीक है, और ये पावर बहुत बड़ी है, तो ये नंबर किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर पहले 4 6 10 -7 ये 3 आएगा, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़। अभी तक जितने क्वेश्चन हुए थे उनमें इधर की वैल्यू बड़ी थी, इसलिए हम डायरेक्ट 10 से माइनस कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लस आने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि इसकी पावर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर फाइनली जब इसको माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमने कहा था जब माइनस आएगी तो क्या करेंगे, 10 से माइनस कर देंगे, तो 10 -3 कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी की कार्यक्षमता दी गई है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 पर्सन है हमारे पास, ए बी और सी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया है 4 5 और 6। वे एक साथ मिलकर एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या बताया था, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 32 डेज का। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल कितना आ जाएगा, 15 15 2 जा 30, और 15 3 जा 45, 45 यानी 480, ये आएगा टोटल वर्क हमारे पास, ठीक है। अब देखो कह क्या रहे हैं कि बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर टाइम टेकन बाई बी निकालना है तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है 480, और इफिशियंसी अब बी कितनी हो जाएगी, 5, कट करो, 5 9 जा 45 3 5 6 जा, यानी 96 डेज, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेहा ने रीता को अपनी 25% रकम दी, ठीक है, रीता ने प्राप्त रकम का 30% स्कूल फीस पर और 45% रकम किताबें खरीदने पर खर्च किया, अगर उसके पास रुपये 1240 बचता है तो प्रारंभ में नेहा के पास कितनी रकम थी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि नेहा ने रीता को अपनी 25% रकम दी, लेकिन हमने क्या बताया था, कोई चीज़ किसी के पास अगर है तो वो 100% होती है, तो हमने मान लिया कि जो रीता को रकम मिली है वो 100 रुपये मिली। रीता को कितनी रकम मिली, 100 रुपये। अब देखो इन्होंने क्या किया, 30% फीस स्कूल पे खर्च कर दी, 30% का मतलब इन्होंने 30% स्कूल फीस पे खर्च कर दी, यानी 30 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद क्या किया, फिर उसमें से कितना खर्च कर दिया, 45% बुक्स पे। देखो ये तो फीस पे खर्च हुआ और ये बुक्स पे, तो देखो 100 का 30% कितना आएगा, 30 ही आएगा, और 100 का 45% कितना आएगा, 45। तो टोटल खर्च कितना कर दिया इन्होंने, 5 और 75, तो इनके पास रिमेनिंग कितना बचा, 25 बचा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, उसके पास कितना बचता है, 1240, तो यहाँ पर 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो इसको कट करो, ये 5 5 जा 5 2 जा 10, कितना बचेगा, 5 2 जा 10 2 5 4 जा 5 8 जा 248 आ गया। तो यहाँ से 1 की अगर वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी, 5 4 जा 5 9 जा, और 3 बचेगा 5 6 जा 49.6। तो यहाँ से हमें रीता के पास था कितना, 100, तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 9 6 0, ठीक।
अब देखो, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये रीता को 100 रुपये मिले थे अगर, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया प्रारंभ में नेहा के पास, तो अगर नेहा ने कितना दिया था रीता को 25%, तो नेहा की रकम का ये कितना है 25%, तो यहाँ पर 25% की वैल्यू, मनी ऑफ नेहा, ट्वेंटी 25% कितना है 4960, और हमें बताना है 100%, यानी नेहा के पास स्टार्टिंग में 100% ही तो होगा, तो 100 के लिए इसको क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 25 × 4 कितना हो जाता है 100% हो जाएगा, तो इधर भी 4 से कर दो, 400, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 + 2 तो 38, 3 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 16 + 3 19, इतने रुपए स्टार्टिंग में नेहा के पास थे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1940। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक गोले की त्रिज्या 120% बढ़ा दी जाती है, तो देखो त्रिज्या 120 यानी 120/500 ये कितना हो जाएगा, रेशियो में इसको लिखें तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी ये बढ़ा दी गई है, तो फाइनली कितनी कर दी गई 5 से कितना हो जाएगा 11। अब देखो उसके सतह क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो देखो सतह क्षेत्रफल क्या होता है उसका 4πr² होता है, तो इधर 4πr1² हो जाएगा, तो देखो जब भी हमने बताया था इसको लिख लेते हैं इधर 4πr², तो यहाँ पर रेशियो ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, तो r² r1² 25 हो जाएगा, और यहाँ से 11² कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना बढ़ गया है 11 से 5 जाएगा 6, 11 से 2 जाएगा 9, 96, तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं, परसेंट इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 96/25 × 100, ये 4 टाइम कैंसिल, फिर 4 6 जा 24, 2 और 9 4 जा 36 + 2 38, इतने परसेंट बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, तो ये तो यहाँ पर कोई आंसर दिया नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर एक फिफ्थ ऑप्शन ऐड कर लो 384%, यही क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका एक वर्ग अंतराल में छात्रों द्वारा 50 अंकों में से प्राप्तांक को दर्शाती है, ये तालिका दी हुई है, बताना क्या है, तालिका पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, छात्रों का माध्य क्या है, यानी यहाँ पर मीन पूछा गया है, तो देखो मीन के लिए हमने क्या बताया था, ये तो वर्ग अंतराल CI दिया है, हम लोग FI इधर लिख लेते हैं, FI कितना है देखो 10 15 45, 10 15 45, 35 और 15, XI लिख लो, XI हमने क्या बताया था जो CI होती हैं उनको ऐड करके उनका मिड वैल्यू, तो 0 + 10 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5, 10 + 20 30, 30 का हाफ 15, अब देखो 10 की गैपिंग चल रही तो इधर 10 बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, अब देखो यहाँ पर वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो हम मीन का फार्मूला कौन सा लगा लेते हैं, मीन इज इक्वल टू समेसन FI XI / SI FI, और जब वैल्यूज काफ़ी बड़ी होती हैं तो हम लोग दूसरा फार्मूला लगाते थे FI DI / SI FI, ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट FI XI निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर दोनों जगह 15 है, 15² 225, इधर देखो 25 5 जा 125 कितना बचा, और 12 बचा 100 टाइम, 100 में 12 112, ठीक 35, 35² कितना हो जाएगा 12 25, ये 15 5 जा 75 7, और 60, 60 में 7 67, इनको ऐड कर लो 5 5 10 10 10 20, 2 बचा 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 7 20, फिर से कितना बचा 2 बचा 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 6 13, 3, अब कितना बचा 1 1 और 1 3, ये इधर आ गया, SummationFI जोड़ो, ये भी 20, 2 1 3 1 4, 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12, यानी 120, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना आ गया ये 3300/कितना आ गया 120,
कैंसिल करो इसको, कितने टाइम जाएगा, 3 से कट कर दो, 3 4 जा, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 1 3 1 0, अभी 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 5 जा, 55 का कितना हाफ कितना हो जाएगा, 27.5, ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वही तालिका दी है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है, यदि उपयुक्त जानकारी के आधार पर पाई चार्ट को बनाया जाए तो जो 20 और 30 क्लास इंटरवल है उसका जो केंद्रीय कोण है वो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर इधर क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 0 से 10, अगला क्या है, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50। अब देखो इधर क्या करते हैं, F 10 15 45 35 और 15, इधर CF निकालते हैं हम 10, इधर से डिवाइड करेंगे तो 25 25 में 45 5 5 10, 4 2 6 6 1 70, इधर 105 हो जाएगा जब 35 ऐड करेंगे, और इधर कितना हो जाएगा, 120। अब देखो हमें बताना है कितनी, 20 और 30, मतलब ये वाला, इस क्लास का बताना है। अब देखो हमने कहा था टोटल सम कितना है, 120, यही तो रिप्रेजेंट करेगा ना 360 को, तो जब पाई चार्ट बनाएंगे तो 120 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 360 को, लेकिन हमें बताना है 20 30, लेकिन जब हम लोग निकालेंगे तो ये निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टाइम चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 3 जा, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 45 की निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 12 1 30, यानी इस पे कितना कोड बनेगा, 135, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।